हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पिछले वीडियो में मैंने कान्हा जी का ड्रेस बनाया था, ऐसे ग्राउंड बनाया था, ऐसे कान्हा जी का ग्राउंड बनाया है। किशन भगवान की जो खड़ा होके रहता है, वो उसका ग्राउंड बनाया। उसका आज टोपी आज ऐसे दुपट्टा, ये राधा जी का दुपट्टा है, ये बना के पहले से रखा है। ऐसे दुपट्टा और ऐसे टोपी हम बिना बना के अभी दिखाएंगे, इसलिए टोपी के लिए हम 20 फंदा डालेंगे। ये 20 फंदा बना के आपको, आप लोगों को दिखाते हैं। ये 20 फंदा ले लिया, अभी गटर स्टिच बनाएंगे। अभी ये भी धागा ज़्यादा लंबा है, ये धागा ऐसे निकलेगा, इसलिए दोनों धागा मिला के हम बना लेते हैं। ऐसे गटर स्टिच बना लेंगे। अभी पांच पांच सिलाई गटर स्टिच बना लेंगे, उसके बाद धागा चेंज करेंगे। जैसे रेड ग्रीन हम ड्रेस बनाया, ऐसे रेड ग्रीन दोनों दोनों उनकी हम टोपी बनाएंगे, देखने बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर करना दोस्त लोगों के साथ। और पीछे पास में जो बेल आइकन रहता है वो भी दबा देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। जो नया नया वीडियो हम बना रहे हैं वो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, तो आप देख सकते हैं। अब देखिए, अभी हम गटर स्टिच फर्स्ट रो में गटर स्टिच बना लेंगे। ऐसे बनाते हुए मैं पांच सिलाई मतलब इस साइड 5 सिलाई, उस साइड 5 सिलाई गटर स्टिच, मतलब 10 सिलाई हम बना के फिर दिखाते हैं। अभी 1 2 3 4 चार गटर स्टिच बना लिया, मतलब चार चार इस साइड 4 सिलाई, उस साइड 4 सिलाई, मिला के 8 सिलाई बना लिया। 5 सिलाई बना लेते तो थोड़ा बड़ा हो जाता, इसलिए 4 सिलाई बना लिया। 4 सिलाई में सही आ जाएगा, उसके बाद धागा चेंज करेंगे। अभी ग्रीन धागा से उल्टा उल्टा बना लेंगे, ऐसे उल्टा साइड आ गया। अभी धागा चेंज कर लिया, ऐसे धागा चेंज करके अभी 2 सिलाई, मतलब एक सिलाई हो रहा है पीछे से, 1 सिलाई हम ऐसे बना के उल्टा उल्टा बना के फिर दिखाते हैं। अभी एक रो बना लिया ग्रीन से और एक रो रेड बना लिया। अभी 1 2 3 4 5 6 7 7 सिलाई हम गटर स्टिच बना लिया। 7 सिलाई मतलब 14 सिलाई बना लिया, दोनों साइड मिला के 14 सिलाई बना लिया। अभी लास्ट लाइन में आ गया। अभी घर अभी जो फंदा कम करेंगे, कैसे कम करते हैं देखिए, ये वाला दोनों दोनों उल्टा उल्टा बना के ऐसे एक ऐसे एक ऐसे बंद कर देंगे। उसका बाद मैंने एक सिलाई में एक ये जो सिलाई है इसमें एक बार बना लेंगे, ऐसे 2 बार बना लेंगे। 2 बार बनाने के बाद इधर से एक फंदा इधर से डालेंगे, लेके दोनों मिला के हम एक कर लेंगे ऐसे। फिर ए वाला जो फंदा है इसमें ऐसे करके एक बार ऐसे एक बार 2 बार बना लेंगे। अभी ये जो फंदा है ए फंदा लेके हम इधर से एक ऐसे बंद कर देंगे ऐसे। फिर ए वाला फंदा ऐसे बना लेंगे एक बार इधर, एक बार 2 बार बना लेंगे। 2 बार बनाने के बाद ए वाला फंदा लेके इधर से बंद करेंगे, ये पूरा ऐसे करेंगे। कितना अच्छा प्यारा सा हो जाएगा, घुंघरा टाइप का।
नीचे जो लेस तैयार होगा बहुत प्यारा सा दिखने लगेगा। एक बार बना लेंगे, इधर से एक बार बना लेंगे, ये वाला ऐसे दो मिला के एक बना लेंगे। अभी फिर एक बार ऐसे बार बार रिपीट करना है ऐसे। देखिए हम इतना बार दिखा रहे हैं, आप लोगों को समझने आ जाएगा, इसलिए एक बार बना लेंगे, दो बार बना लेंगे, ऐसे ऐसे बना लिया। अभी फिर एक बार, दो बार, अभी दोनों एक साथ ऐसे धागा इसमें ही करेंगे, इस धागा इस सिलाई में करके ऐसे बना लेंगे। जैसे फिर देखिए एक बार ऐसे किया, एक बार ऐसा किया, दो बार, फिर ए वाला जो फंदा है ए वाला इसमें इस सिलाई में डालेंगे, दोनों एक साथ बना लेगा। घर कम भी हो रहा है, इतना अच्छा प्यारा से ऐसे लेस जैसे तैयार हो रहा है। फिर ए वाला एक देख लीजिए एक बार, ऐसे ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताना, हम जरूर दिखाएंगे ऐसे। फिर ऐसे एक बार किया, ऐसे दो बार किया, ये वाला इधर से डाला, ऐसे किया, ऐसे एक बार फिर ऐसे किया, ये वाला करेंगे ऐसे, ऐसे एक बार, फिर एक बार दो बार ही हो गया, ऐसे कर दिया, फिर और फिर एक बार ऐसे, एक बार अभी ए वाला ऐसे करते हुए पूरा बंद कर देंगे, पूरा कर लेते हैं। यस, अभी ऐसे बना लिया, अभी सिलाई करेंगे, सिलाई करेंगे ऐसे ऊपर से ऐसे ऐसे, ऐसे सिलाई कर देंगे, ये धागा खींच के ऐसे कर देंगे, ये अच्छे तरह सिलाई सिल देंगे। अभी दोनों मिला के साइड से सिल देंगे, ऐसे ऐसे सिल देंगे। अभी कान्हा जी का जो सर का साइज आप देख लेना, उसके बाद अब इधर से धागा कम ले लेना, 20 फंदा लिया, 18 फंदा आपका साइज देख के, आपका कान्हा जी का साइज देख के आप उतना फंदा ले सकते हो। छोटा लेगा 18 16, आप जितना साइज में आ जाएगा संगत फंदा, थोड़ा सा कम भी लेने से भी हो जाएगा। ऐसे अच्छा तरह सिलाई कर देंगे, हो गया। अभी ऐसे देखिए ये वाला नीचे से कितना अच्छा हो रहा है, ये वाला ऐसे टोपी बना के कितना प्यारा सा लग रहा है। अभी मैं ऐसे दोपट्टा बना के दिखाएंगे, अभी दोपट्टा बना के लिए मैं इधर 6 फंदे लिया है। अभी ए वाला है राधा जी का है, थोड़ा कान्हा जी का थोड़ा, हम 10 फंदे लेके इतना लंबा तक बना के दिखाते हैं।
अभी ये दुपट्टा बनाने के लिए मैंने इधर 8 फंदे लिया है, 10 फंदे नहीं 8 फंदे लिया है। 8 फंदे लेके मैं गटर स्टिच बनाया, ऐसे लंबा करके बना लिया। ऐसे सेम साइज़ का हम बना लेंगे। अभी सेम साइज होते दो हम गटर स्टिच बना के दिखाते हैं। ऐसे लंबा से जितना लंबा करना चाहते हो इतना लंबा कर सकते हो। ऐसे 10 बड़ा चौड़ा बनाओगे तो 10 बड़ा बना सकते हो। हम जो 8 फंदे लेके बनाए उसमें साइड से क्रोसिया बना देंगे। अभी ऐसे गटर स्टिच बना लेंगे उल्टा उल्टा। हम दो और गटर स्टिच, दो सिलाई गटर स्टिच बना के अभी बंद कर देंगे। उसके बाद क्रोसिया से हम साइड से क्रोसिया से बना लेंगे। उसके बाद मैंने ऐसे नीचे से धागा हम लटकन जैसा धागा छोड़ के, ज़्यादा इजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब ऐसे कान्हा जी का थोड़ा सा छोटा सा शॉल जैसा, स्टॉल जैसा बना सकते हो। ऐसे बना लिया, अभी हम बंद कर देते। ऐसे देख लीजिए, अभी साइज को नाप के दिखाते। ऐसे सेम साइज, इसे थोड़ा छोटा होगा भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, जितना मर्जी आप कर सकते हो। ऐसे हो गया प्राय सेम टू सेम। अभी दो और एक फंदा बना के हम बंद कर देंगे, दो सिलाई बना के बंद कर देते हैं। आप लोग जो कलर में अच्छा लगेगा, अब सीधा सीधा हम गटर स्टिच आप सीधा सीधा भी बना सकते हो, उल्टा उल्टा भी बना सकते हो, जो ऐसे एक सीधा एक उल्टा भी बना सकते हो, जो आपका सीधा लगेगा ऐसे बना सकते हो। अभी बिगिनर्स भी बना सकते हैं, जो नया नया अभी सिलाई सीखा है वो भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा बन जाएगा। पिछले चैनल में मैं अभी वीडियो डाउनलोड किया है, अभी कान्हा जी का ड्रेस, कान्हा जी राधा जी का ड्रेस डाउनलोड किया है। प्लीज़ वो भी देख लेना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करना। अभी इतना तक किया है मैं। अभी पिछले डाउनलोड नहीं अपलोड किया है, गलत बोल दिया, तो अभी अपलोड किया है, देख लेना नया नया अभी जो डिज़ाइन है। मेरा चैनल में कान्हा जी का ड्रेस अभी शॉर्ट्स भी डाला है, आप देख लेना। आप लोग पसंद करते हो तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि जे नया नया डिज़ाइन बनाऊं, किंतु आप लोगों का रिस्पांस नहीं आने से हम लोगों का भी मन नहीं लगता है जे बनाऊं कि बंद छोड़ दूं। ठीक है, अच्छा है, तो अभी ये बना के हम दिखाते हैं। अभी तो बहुत सारा लंबा हो गया, अभी बंद कर सकते हैं। ये वाला धागा, ये वाला सिलाई बना के मैं अभी बंद कर देती हूँ। देखिए अभी लगता है हो गया। अभी इधर से ये वाला ट्राई हो ही चुका है। ऐसे अभी बंद कर देते हैं। अभी एक ऐसे बंद करके सारा धागा, सारा फंदा ऐसे हम बंद कर देते हैं। अभी क्रोशिया से दिखाते हैं, क्रोशिया से अभी क्रोशिया से ग्रीन धागा से ऐसे सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे डबल पे सिंगल क्रोशिया से पूरा बना लेंगे।
सिंगल क्रोशिया बोलते हैं इसको, ऐसे ऐसे ये जो धागा इसमें ये है, इधर से सब सारा फंदे में ऐसे क्रोशिया से बना लेंगे। उसके बाद ऐसे सेम टू सेम ऐसे दूसरे कलर से रेड कलर से ऐसे बना देंगे, डबल धागा डबल ऊन का ये ऐसे करके हम बना लेंगे। सारा इसमें डाल के ऐसे देख लीजिए, उसी ऐसे फिनिशिंग अच्छा आ जाता है ऐसे। आप लोग भी ऐसे क्रोशिया से, क्रोशिया चलाना इतना हार्ड नहीं है, देख लीजिए ऐसे करते हुए हम सारा बना के आप लोगों का फिनिशिंग करके हम आपको दिखाते हैं। ऐसे पूरा क्रोशिया से बना लिया, अभी दोनों इधर से लटकन जैसे लगा दिया ऊन का, अभी इधर भी ऐसे फोल्ड करके दो फोल्ड करके ऐसे बना दिया। अभी ऐसे इधर से ऐसे धागा इधर क्रोशिया के अंदर ऐसे फंसा देंगे। क्रोशिया से भी बना कर सकते हैं, ऐसे पूरा ऐसे आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ऐसे बांध देंगे, ऐसे आ जाएगा। फिर दोबारा दिखाते हैं, ये वाला ऐसे डबल फोल्ड करके दो डबल करके ऐसे दो फोल्ड करके करने के बाद हम इधर से दो तीन जो डाल सकते हैं ऐसे। बन गया, अभी ये दोनों मिला के दोनों ऐसे जुड़ करने के बाद हम इधर से ऐसे काट देंगे। देख लीजिए कितना अच्छा प्यारा सा दुपट्टा तैयार हो गया। अभी ऐसे देखिए ऐसे दोनों बनाया, ये है पहले हम दिखाया था ये वाला ड्रेस, इसका साथ इसका दुपट्टा दुपट्टा और एक टोपी ऐसे बना के तैयार किया। आप लोगों का पसंद आया तो लाइक कर देना। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।